तो और भाई लोग क्या हाल चाल है। तो मैं हूँ आकाश और आप लोग देख रहे हो हमेशा की तरह गेमर आकाश। तो बात करें इस गेम प्ले की, भाई ये भी खेला था मैं सोलो वर्सेस डीओ गेम प्ले। और यहाँ पे भाई पायलट प्लाजा उतर चुके थे और मेरे सामने बहुत सारे बंदे उतरे थे। और यहाँ पे भाई मैं जैसे प्रोड हुआ तो हाथ में शॉट गन, क्या ही कर सकते थे, मतलब सस्ती नसे रहा है। जो हो गया सो हो गया, अब नीचे भी चलते हैं क्योंकि वो बंदे कभी भी मुझे मार सकते थे। तो जल्दी से नीचे चलते हैं। लेकिन मैं जैसे ही नीचे जाने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पे लगी फाइट। तो भाई हम भी चलेंगे उसी फाइट के बीच में, सबको मारेंगे। अब देखते जाओ भाई जल्दी से फिर मारेंगे। तो यहाँ पे मैं पहुँच गया और यहाँ पे भाई एक वो स्टेप आ रही थी क्योंकि मेरे बहुत ही पास थी और वो सामने ही थी कहीं पे। तो अभी देखो भाई मारेंगे से। ये फुट स्टेप अब ऊपर चली गई थी, अब ऊपर जब मैं गया तो भाई साहब देखते जाओ क्या ही हो रहे थे मेरे साथ। गला सीन, ये बंदा उस साइड था, अभी मारेंगे भाई बहुत ही गंदा मारेंगे इसे। लेकिन ये बंदा मुझे कंफ्यूज कर रहा था क्योंकि यहाँ से मेरे को दो दो फुट स्टेप आ रही थी। तो मुझ पे बहुत ही कंफ्यूज था बंदा है कहाँ पर। यहाँ पे मैं थोड़ी देर टी पी पी लेने लगा तभी फुट स्टेप आए और वो बंदा यार ये तो बॉट निकला यार, क्या ही मतलब, ये बॉट ही मेरा बहुत ही गड़बड़ कर रहा था। अभी और भी यहाँ पे से फुट स्टेप आ रहे थे, मेरे को लगा ये बंदा यहीं पर आएगा लेकिन वो बंदा सामने रहता है। देखते जाओ भाई, इन भाई साहब ने पिक किया और बहुत ही सस्ते में मारे गए ये ले। अभी इनका टीममेट भी आएगा और भाई साहब बच गया। तो मैं अब सोचता हूँ कि भाई नीचे से जाएंगे क्योंकि सामने से जाऊंगा तो वो बंदा मुझे पक्का मार देगा क्योंकि वो बंदा टीपी भी ले रहा होगा। और तभी भाई ऊपर हो जाती है फाइट, और बंदा था उसे भी मारेंगे। तो भाई यहाँ पर तो भाई अच्छे खासे मतलब 3 किल हुए। यहाँ पर पता नहीं एक और बंदा बैठा था जो कि किसी दूसरी टीम का था, तो भाई बच गया मैं। अच्छा हुआ मैं ऊपर से नहीं गया वरना मेरे साथ भी यही होता जो इनके साथ हुआ। यहाँ से भाई गाड़ी उठाने के बाद हम लोग आ जाते हैं सेंट्रल रोड की पहाड़ी पे और यहाँ पर भाई फाइट हो रही थी। अब देखते जाओ, किसी बंदे ने सामने अपने ऊपर ही नेट फोड़ लिया, अब मैं उसे मार दूंगा। पहले ये बंदा दिखा, ये भाग गया, लेकिन तभी सामने एक बमबारी होती है। एनिमी डाउन। वो भाई साहब इसने खुद को ही मार लिया। चलो कोई नहीं, मेरे लिए तो इजी हो गया था वरना ये बंदा अंदर भी जा सकता था नॉक करने के बाद। फिर भाई मैं गाड़ी लेके डायरेक्ट इस घर पे आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ से मेरे को अच्छा सा एंगल भी मिल जाता और मैं इसे बड़े ही प्यार से मार भी देता। अब देखते जाओ भाई इसे भी मारेंगे। इसका बंदा भाई इसी को लूट रहा था और बहुत ही ईजी किल हुआ मेरे से। अब इसे मार दिया, तभी यहाँ से एक गाड़ी निकलती है। इस गाड़ी को याद रखना, ये आगे जाके बहुत मदद करने वाली मेरी। तो भाई इसके पीछे वाले बंदे को मैंने बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे दिया था लेकिन वो बंदे आगे निकल चुके थे तो भाई मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन तभी यहाँ पे एक बॉट आया, बॉट के साथ मैंने गाड़ी भी फोड़ दी क्योंकि अगर मैं कभी भी नीचे जाता तो ये बंदा कोई बंदा गाड़ी भी फोड़ सकता था। और यहाँ पे आपने देखा ना क्या ही मतलब मरते मरते बचा। सामने एक और बॉट, तो भाई इसे भी मार दिया। अभी लेकिन यहाँ से भी और भी फुटस्टेप आ रही थी, वहीं मैं नीचे कूद गया और ये बंदा मुझे बहुत ही कंफ्यूज करने वाला था। मेरे को लगा ये बाहर गया, मैं बाहर आया तो बाहर नहीं रहा, फिर से ऊपर से फुट स्टेप आई, फिर से ऊपर गया और ये तो बॉट निकला। अब इसे भी मैंने मार दिया, तभी वो गाड़ी यहाँ पे वापस आती है जो कि वहाँ पे थी। मुझे लगा यहाँ पर होगी है तो मैंने एक नेट कर दिया रैंडम नेट। मेरे को लगा अगर यहाँ पे होगे तो मारे जाएंगे, लेकिन मैंने फिर देखा तो वो बंदे वहाँ पर फिर से पहुँच गए। लेकिन वो बंदे दो थे तो मैं डायरेक्ट रश नहीं कर सकता था, तो मैंने कुछ नेट ट्राई किए जो कि यहाँ से तो परफेक्ट नहीं जाते हैं, अगर ऊपर से मैं करता हूँ। तो मैंने इस बंदे को डैमेज देने की कोशिश की लेकिन भाई रेड जोन इतना गंदा गिर रहा था तो मेरे को बहुत ही डर लग रहा था। अभी मेरे पास एमो ज़्यादा बची नहीं थी लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे ट्राई कर रहा था कि कोई बंदा नॉक कर दूँ। M4 मेरी पूरी खाली हो चुकी थी, मैं यहाँ पे 300 गोली के साथ आया था और सिर्फ कम बची, मतलब सिर्फ 80 गोली बची थी। तो भाई मैं चाह रहा था कोई ना कोई नॉक हो जाए यहाँ पे फिर मैं रेस्ट कर दूँ।
ये तो बॉट था जिसे कि भी हमने मार दिया है, और लेकिन यहाँ पे अभी और भी बंदे हैं। वो वाले बंदे अभी भी भाई नॉक नहीं हुए। अब मुझे लगा कि भाई पीछे चलना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा पीछे मैंने बॉट मारे थे, उन्हें लूटते हैं। लेकिन भाई साहब तभी इस बंदे को मैंने देखा, और इस बंदे के पास थी RPG, तो भाई मैं तुरंत पीछे गया। मैंने सोचा थोड़ा बहुत लूट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखते जाओ भाई, मैं जैसे ही लूट कर रहा था भाई पीछे से बहुत गंदा फायर होता है। और भाई साहब अब मेरी HP देखो आप, HP 1 HP बची है। तो भाई साहब हर हर मैच में मेरे साथ यही सीन होते हैं, तभी एक बंदा कर देता है उनका रस, तो भाई उसे भी मारेंगे। यहाँ पे 6x से पाया था, लेकिन फिर भी इसे मार देंगे हम। लेकिन भाई साहब ये बच गया, ये बचा कैसे? अभी एक बंदा दीवार के पीछे था, मैंने देख लिया, तुरंत मैं अंदर गया, गेट बंद कर दिया, ये बंदा पीछे भी। और भाई साहब इसका टीममेट ने रस भी नहीं किया, अगर वो रस कर देता तो भाई मैं पीछे से कंफर्म खत्म हो जाता। फिलहाल वहां से मेरे को लूट मिल गई, और ये बंदा सामने वाली दीवार के पीछे, और ये बंदा नेड कर रहा था। भाई मैं तुरंत ऊपर आ गया वहीं पर जहां पर नेड, वहाँ पे आने के बाद वो बंदा थोड़ा बहुत मूवमेंट भी कर रहा था, और पीछे वाले भी बंदे किसी को मार रहे हैं। अब मैंने सोचा था भाई इसे कस के मारेंगे, बहुत ही गंदा मारेंगे। यहाँ पे मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे दिया था, लेकिन वो बंदा पीछे चला गया, और साथ में रेड जोन। तो मैं भाई रेड जोन का खतरा नहीं लेना चाह रहा था, मैं कुछ भी करके सोच रहा था रेड जोन खत्म हुआ। जैसे रेड जोन खत्म हुआ भाई बहुत ही मारेंगे, बहुत ही गंदा। Down. अब इसे मार दिया। अब भाई साहब पीछे से जोन आ गया, वो बंदे मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा था कि वो बंदे आएंगे जरूर गाड़ी पे, जैसे ही आएंगे मैं उन्हें मार दूंगा। और यहाँ पे 1v2 क्लच, एक स्प्रे में 2 बंदे हो जाएंगे, अब देखते जाओ आप। मैंने जैसे ही हीलिंग लगाई तभी उनका एक बंदा बाहर आता है, साथ में दूसरा भी। और भाई साहब मैंने इन दोनों को मार दिया, ये वही वाले बंदे थे जिन्होंने सबसे पहले यहाँ से गाड़ी ले गए थे। और भाई साहब ये पीछे जोन और आगे रेड जोन, मतलब आगे पीछे खाई आगे कुआं, अरे जो भी हो यार मेरे को नहीं आती है। भाई साहब यहाँ पे मेरे बचने के बहुत ही कम चांसेस थे, क्योंकि रेड जोन भी था और जोन भी था। अब आप लोग कमेंट में बताओ कि मैं यहाँ से बचूंगा या नहीं बचूंगा, क्योंकि आप जोन देखो मुझे कहाँ जाना है, अभी मुझे अभी बहुत दूर जाना था, देख रहे हो ना, मतलब बहुत दूर। तो यहाँ पे मैं गाड़ी चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि भाई बगी बहुत ही धोखा दे देती बीच बीच में। तो फिलहाल हम लोग जोन में पहुँच चुके थे, और यहाँ पे सामने एक गाड़ी किसी बंदे को कुचल के गई थी ऊपर, और यहाँ पर भी फायर हुआ था यहीं जहाँ पर बंदा आउट हुआ है। तो भाई साहब मैं आ जाता हूँ इन बिल्डिंग्स पे, और यहाँ से मेरे को पता था ऊपर से एक अच्छा एंगल मिल जाएगा उन बंदों पे, और भाई इन दोनों को मारेंगे बहुत ही गंदी तरीके से। बस आप देखते जाओ, यहाँ से मुझे एक बंदा दिखा और मैं प्रोन हो गया, ये भी बंदा प्रोन हो गया, लेकिन इसे नॉक कर दिया। इसे जैसे मैं फूटा तब इसका टीममेट आ गया, उसको भी मार। यहाँ पे भाई फिर से 1v2 हो गया, और भाई साहब यहीं से मेरे गलत सीन फिर से शुरू हो गए। अब क्या ही कर सकते हैं भाई, यहाँ पे मैंने पूरा चेक कर लिया, मेरे नीचे एक भी बंदा नहीं था। लेकिन अभी मैं जैसे ही गाड़ी उठाऊंगा और यहाँ से दो दो बंदे निकलेंगे। मैंने नीचे पूरा चेक कर लिया भाई, कोई भी नहीं है अभी तक, किसी ने भी फायर नहीं किया, ठीक है। अब देखते जाओ भाई, ने जैसे भी गाड़ी दिखाई, मैं सामने कोई बंदा भी किसी ने नॉक किया था विस्टा, मतलब कि उस साइड प्रोमंटरी में, तो मैं उस बंदे का इंतजार कर रहा था। लेकिन मैंने जैसे ही यहाँ से निकाली तो भाई ये हुआ, और वो बंदा भी नॉक हो गया। अब इसके लिए क्या ही बोले भाई, इतना ही था वीडियो। वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।